जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर एक अलग जुनून चाहिए। आसमां भी आएगा एक दिन जमीन पर उतर कर, बस इरादों में जबरदस्त जुनून होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डीके देव। उत्तर प्रदेश के अंधेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ा समाचार है। सुप्रीम कोर्ट से मादे 17,000 को लेकर याचिका स्वीकार कर ली है। यूपी सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई में होगी। मादे 17,000 को कंटिन्यू रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उत्तर प्रदेश के अंशकालिक अंधेशकों के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे, परिषदीय अंधेशक कल्याण एसोसिएशन के द्वारा एक याचिका दायर की गई जिसमें 17,000 मानदेय को कंटिन्यू रखने के लिए अपील की गई थी, जिसको स्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खास तवज्जो दिया और 4 सप्ताह के अंदर यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। साथ ही अगली सुनवाई जुलाई में होगी। अब वो दिन दूर नहीं जब अंधेशकों को मादे 17,000 मिलेगा। समान साथियों, याचिकाकर्ता विक्रम सिंह जी ने बताया कि उनके द्वारा मादे 17,000 को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसे स्वीकार किया गया है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की अदालत में हुई। डॉक्टर सिंह साहब के द्वारा जब उन्हें पूरा विस्तार से बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसलिए गुहार लगाने आए हैं ये अंशकालिक अन्वेषक, इनकी जो मानदेय स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है, इनको 7,000 रुपये पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था और आज कोई भी व्यक्ति 7,000 रुपये में अपना घर नहीं चला सकता। एक मजदूर की कम से कम 12,000 पेमेंट होती है, लेकिन एक शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है वो 7,000 में कैसे गुजारा कर सकता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस ने यूपी सरकार को निर्देश नोटिस जारी किया है 4 सप्ताह के अंदर। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, इस मामले में सरकार को लिखित में जवाब देना होगा। जैसा कि अंधेशकों के मसीहा वकील पीएस पटवालिया और आरके सिंह ने कोर्ट से कहा कि अंधेशक पार्ट टाइम के काम पर नियुक्त किए गए थे, जबकि सरकार नियुक्ति के दिन से आज तक 8 घंटे पढ़ाने का काम कराती आ रही है, फिर भी उन्हें मानदेय अल्प, मानदेय सिर्फ और सिर्फ उन्हें 9,000 दिया जा रहा है, 7,000 दिया जा रहा है। अब आप बताइए, एक राष्ट्र निर्माता के साथ ये किस तरह की ज्यादती है। हमारे साथियों, आपको बताते चलिए, इस याचिका में अंधेशकों के नियुक्तिकरण और मादे 17,000 के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट का रुख देखते हुए लगा कि अंधेशकों को जल्द न्याय मिल सकता है। इस याचिका को लेकर अंधेशकों में भी कई गुट बन चुके हैं और अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी सामूहिक तरीके से एक संस्था के तौर से, एक यूनियन के तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे दी है, परिषदीय अन्वेषक कल्याण एसोसिएशन संघ को, और इसी के तहत सभी सुनवाइयां होंगी, जिसमें किसी को व्यक्तिगत तौर पे सुप्रीम कोर्ट में मजबूरन हाजिरी नहीं लगानी होगी। वो सारा मैटर हमारे जो भी वकील हायर किए गए हैं वो देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा अंशकालिक अंधेशकों को, उनको उनका हक मादे 17,000 भी मिलेगा और नियमितीकरण भी जल्द मिलेगा, ऐसी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ जल्द, सिर्फ और सिर्फ अंधेशक न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।